दोस्तों, बॉलीवुड में अच्छा काम पाना और एक लंबे समय तक वहां पांव जमाए रखना एक आसान बात नहीं होती है। ऐसे बहुत से सितारे हैं जिन्होंने एक वक्त पर खूब काम किया है और खूब सराहा गया है, पर बाद में काम की कमी के चलते उन्हें लाइमलाइट से दूरी बनानी पड़ी। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड की सरजमी पर सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे बीते दिनों के उस अभिनेता के बारे में जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उनकी बाद की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई ही रह गई। उन्हें डिप्रेशन से भी जूझना पड़ा और दुनिया ने उन्हें पागल तक कह दिया था। आज यह बात होगी अभिनेता राज किरण की, जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में एक कड़ी मेहनत के बाद बेहतरीन मुकाम हासिल किया था, पर बाद में अचानक ही वो रुपहले पर्दे से गायब से हो गए। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह डिप्रेशन और मानसिक बीमारी से अभिनेता राज किरण का सामना हुआ और फिर उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और बने रहिए हमारे साथ। अभिनेता राज किरण का जन्म 19 जून सन 1949 को मुंबई में हुआ था। इनका परिवार एक सिंधी परिवार था जो कि बहुत पहले ही माया नगरी मुंबई में सेटल हो गया था। बचपन से ही राज किरण का झुकाव फिल्मी दुनिया की ओर था। अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी के कारण आगे चलकर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल गया था। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में एक कदम फिल्म कागज की नाव से रखा था। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री सारिका ने काम किया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आगे चलकर 80 का दशक राज किरण के फिल्मी करियर का गोल्डन पीरियड बना। सन 1980 में उन्होंने लगातार 8 सफल फिल्में दी, जिनमें कर्ज, बम्बई का महाराजा, मनोकामना, नजराना प्यार का, साजन मेरे मैं साजन की, ये कैसा इंसाफ जैसी फिल्में शामिल थी। अभिनेता राज किरण ने मेन लीड के साथ साथ सपोर्टिंग रोल्स करने में भी कभी परहेज नहीं किया था। उन्होंने कर्ज, बसेरा, अर्थ, राज तिलक जैसी फिल्मों में अपने सपोर्टिंग रोल्स के लिए काफी वाहवाही लूटी थी। उनकी और भी फिल्मों की बात करें तो हीरा पन्ना, प्यार का मंदिर, प्यार का देवता, घर एक मंदिर, बुलंदी, कारण, शिक्षा, बेजुबान, सुन मेरी लैला, हिप हिप हुर्रे, अर्जुन, इल्जाम, घर हो तो ऐसा, आज का दौर, कर्ज चुकाना है, जख्मी रूह, घर द्वार, पुलिस पब्लिक, वो दिन आएगा, मनु द ग्रेट, खरा खोटा जैसी फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया था। राज किरण की जिंदगी और फिल्में 80 के दशक में काफी अच्छी चल रही थी। उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा था। युवा दर्शक राज किरण के चॉकलेटी और रोमांटिक लुक के लिए उन्हें काफी पसंद करते थे। जस्टिस चौधरी और एक नया रिश्ता में उनके किरदारों को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था। पर दोस्तों, 90 के दशक में राज किरण को धीरे धीरे काम कम मिलने लगा। उन्हें बाद में छोटे पर्दे की ओर रुख भी करना पड़ा था। राज किरण का टेलीविजन डेब्यू सन 1994 में आया टीवी शो रिपोर्टर था, जिसमें अभिनेता शेखर सुमन ने भी काम किया था। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अभिनेता राज किरण के जीवन से जुड़ी उस त्रासदी के बारे में जिसने उन्हें गुमनामी भरी जिंदगी की ओर धकेल दिया था। हम आपको बता दें, कभी बॉलीवुड में एक चर्चित नाम रहे राज किरण को डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ा था। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें धीरे धीरे फिल्मों के प्रोजेक्ट से भी हाथ धोना पड़ गया था। राज ने अपने फिल्मी करियर में जितने पैसे कमाए थे वो धीरे धीरे उनके इलाज में खत्म होने लगे थे। सबसे पहले उन्हें मुंबई के भाईखला मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था, जिसके बाद राज किरण के अमेरिका के अटलांटा में होने की खबर सामने आई। कहते हैं इस मुसीबत की घड़ी में उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। हालांकि वो अटलांटा में है या नहीं, आज इस दुनिया में है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। साल 2011 में फिल्म कर्ज में राज किरण के को स्टार रहे ऋषि कपूर जब राज किरण के भाई गोविंदा मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज किरण पिछले 10 साल से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटी ने धोखा दिया था। तब से वो डिप्रेशन में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। पर राज किरण की बेटी ने एक आधिकारिक बयान देते हुए ये कहा था कि उनके पिता आज कहाँ हैं, वो खुद अटलांटा पुलिस और जासूसों की मदद से अपने पिता को ढूंढ रही है। दोस्तों, ये जानना बेहद दुखद है कि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा इस कदर गुमनामी के अंधेरे में खो गया कि आज ये तक पता लगाना मुश्किल है कि वो जिंदा है भी या नहीं। बीते वक्त के साथ उनके करीबियों के साथ साथ राज किरण को उनके फैंस ने भी भुला दिया है। हम आपको बता दें कि राज किरण के डिप्रेशन को लेकर अलग अलग कहानियां भी हैं। कुछ मानते हैं कि काम की कमी ने उन्हें दिमागी तौर पर बीमार बना दिया था, जबकि कुछ उनकी बीवी की बेवफाई को उनके पागल होने का कारण मानते हैं।
बॉलीवुड से अभिनेता ऋषि कपूर, दीप्ति नवल जैसे कलाकारों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अभिनेत्री दीप्ति नवल की माने तो उन्होंने राज को अमेरिका में टैक्सी चलाते देखा था। दोस्तों, आज राज कहाँ है, किस हालत में है, इससे जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। राज किरण की पारिवारिक जानकारियों के बारे में बात करें तो उनका जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। राज किरण का पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। इनके माता पिता से संबंधित जानकारियां तो उपलब्ध नहीं है, पर आपको बता दें कि इनके दो भाई भी हैं, जिनका नाम गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी है। राज की शादी रूपा मेहतानी से हुई थी, पर बाद में पत्नी से अलगाव हो गया था। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम ऋषिका मेहतानी है। दोस्तों, अभिनेता राज किरण का जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। आज उनकी कोई खोज खबर नहीं है, उम्मीद है वो जहां होंगे अच्छे होंगे। तो आज हमने आपको अभिनेता राज किरण की जिंदगी से रूबरू करवाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।